आज पहली सवारी है और बानेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की काफी तरह से भीड़ लग रही है। हम लोग जो है श्रद्धालुओं को जिलाधीश के लिए हम लोग पैनी नजर रखे हुए हैं, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो इसके लिए हम लोग मुस्तैदी हैं। हाँ, महिला सिपाही की व्यवस्था की गई है, महिलाओं की जो शांति ढंग से जो है उनका अपना जिलाधीश करें बाबा बानेश्वरनाथ मंदिर में, इसके लिए हम लोग मुस्तैदी से हैं। श्रद्धालुओं से कहना हमारा है कि शांतिपूर्ण से अपना जो है जलाभिषेक करें और शांतिपूर्ण जो है अपना घर को ये प्रसन्न करें। हाँ, जिला प्रशासन से हमने अभी जो फोर्स मांगे वो हमको दिया और इससे पहले भी जिला प्रशासन से गुहार लगाए हैं, SDO साहब से गुहार लगाए हैं कि हमको बाउंड्री, एक धर्मशाला और शौचालय, महिलाओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और यह जो 22 नंबर रोड है 107 और उससे लेकर के मंदिर तक दोनों तरफ चौड़ीकरण की बहुत आवश्यकता है। ये यहाँ काफी दिक्कत होता है, एक पार्किंग नहीं है, गाड़ी घोड़ा के लिए बहुत समस्या बना हुआ है, इसीलिए प्रशासन से मैं गुहार लगाता हूँ कि कम से कम यहाँ आकर के इन समस्याओं का समाधान करें। मेरा नाम देवानंद झा, देवना गोपाल। जब से मेरा जन्म हुआ है तभी से हम यहाँ आ रहे हैं, ये हमारे पुरखों से ही जुड़ा हुआ मंदिर है। बाकी क्या, बस भोला बाबा ही सब कुछ है, यहाँ आते जाते रहना चाहिए, यहाँ पे विश्वास, भोला बाबा पे विश्वास रखना चाहिए। आज सोमवारी का दिन है, पहले सोमवारी है, किस तरह का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है? यहाँ हर सोमवार को कीर्तन भजन होते रहता है और आज तो सावन का पहला सोमवार है तो कुछ धूमधाम से होना बनता है। भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? भक्तों से यही कहना चाहेंगे जो यहाँ आते रहिए, भोले बाबा पे विश्वास रखिए, आपका सारा काम सफल होगा। क्या नाम है? मेरा नाम श्रुति वैष्णवी है। आज पहली सोमवारी है और जितने भी तीर्थ स्थान है वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ अहले सुबह से ही ये काफी तादाद में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और बोल बम का नारा लगा रहे हैं, अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य के सहरसा जिले मुख्यालय के तकरीबन 6 किलोमीटर दूर बनगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत बानेश्वर धाम में हम मौजूद हैं जो देवना रजोरा चौक पे स्थित है बानेश्वर धाम। आप यहाँ देख सकते हैं कितने तादाद में लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने आए हैं, भगवान का दर्शन करने आए हैं। कुछ लोग से हम जुड़ेंगे और जानेंगे किस तरह से वो सोमवारी मना रहे हैं और यहाँ जो पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान से, क्या करना बताइए। पहली सोमवारी है, आप लोग बानेश्वर धाम आए हैं पूजा अर्चना, कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा है, हम लोग यहाँ से लड़का आए हैं हवाई अड्डा पटेल में नाम से, तुरंत टाइगर पीजी एकेडमी से, करीब 2.5 सेकंड से। क्या कमना कर रहे हैं? यही कि हम लोग सब जितना दोस्त आए हैं सबको नौकरी हो जाए, भगवान का सफल कर दे सबको। सोमवारी है, क्या कहना चाहेंगे भगवान से? भगवान से यही अर्चना लेकर आए हैं कि हम लोग को सफल कर दे, बहुत गरीबी से हम लोग जी रहे हैं, माँ बाप का सपना है, सब माँ बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा हर एक मंजिल पाए। रमन कुमार, यहाँ देख रहे हैं जो युवा वर्ग आए हुए हैं वो भगवान से रोजगार मांग रहे हैं कि भगवान हमें रोजगार दे और जो हमारी मनोकामना है वो, और यहाँ जो पंडित जी हैं उनसे हम जुड़ेंगे कि बानेश्वर धाम की क्या खासियत है और जो लोग पूजा अर्चना करने आ रहे हैं काफी संख्या में लोग यहाँ दिख रहे हैं, काफी श्रद्धालुओं की भीड़ है। बताइए बानेश्वर धाम में क्या खासियत है और ये जो मंदिर है कब की मंदिर है? ये मंदिर तो त्रेता युग का मंदिर है, मंदिर का खासियत ये है जो भी श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा पूजा करते हैं तो उनका मनोकामना पूरा करता है बाबा बानेश्वरनाथ। बाबा बानेश्वरनाथ ईश्वर है, वह तो देवों का ईश्वर है, बानेश्वर नाम की
राक्षस द्वारा पूजित हुआ है और उस टाइम से पूजनीय बाबा भानेश्वर धाम है, संगे माँ बंदुर्गा भगवती उनकी कुल देवता है जो कुछ दूर हट के है पीछे। ये भानासुर के नाम पर भानेश्वरनाथ महादेव का नाम पड़ा, बंदुर्गा कुल देवता का नाम पड़ा, विष्णु का हृदय का शिवलिंग है। ये बहुत भारी विशाल वन था, श्मशान जगह था, इसी नाम पे बनगांव का नाम पड़ा है। और क्या खासियत है यहाँ की जो लोगों की जानकारी है? यहाँ का खासियत है जो श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं या साधु संत आते हैं मनोकामना उसका पूरा करते हैं बाबा। मूर्ख जो यहाँ आते हैं उनको भी बाबा विद्वान बना देते हैं। इससे पहले छत्रनाथ झा नाम के एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, उनको बाबा ने वरदान दिया और कविश्वर बना दिया। बाबा यहाँ किला है बगल में, बानासुर का तपोभूमि है। बानासुर युद्ध जब हुआ था भगवान विष्णु के संग में 5000 वर्ष हुआ था, उस समय जब जा रहे थे दक्षिण उत्तर से दक्षिण, उसी समय माँ बंदुर्गा उनकी कुल देवता उनको रोका आकाश मार्ग से, कहा रुक जाओ यहाँ बानासुर, यहाँ स्थिर होकर तपस्या करो, यहाँ स्वयं शंकर जी है, शंकर जी का भक्त हो तुम तपस्या पूर्ण हो गया, तेरा सब कामना पूरा हो जाएगा। और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के बारे, क्या बताना चाहेंगे? लोगों को ये बताना चाहते हैं, आइए यहाँ जितना पूजा कीजिएगा जल चढ़ाइएगा उतना फलीभूत होंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय झा। ये पंडित जी जो संजय झा आते हैं जो बानेश्वर मंदिर का एक खासियत बता रहे हैं, प्राचीन इनकी क्या खासियत रही है, यहाँ के लोगों की मनोकामना क्या पूरी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो पूजा अर्चना करने आए हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और हम जानेंगे। बताइए, पहली सोमवारी है, पूजा अर्चना करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, भोलेनाथ से पूजा कीजिए, बढ़िया से सबका मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ति करे, हम सबकी यही कामना है। यहाँ की बहुत ही प्रसिद्धि है, यहाँ मनोकामना अच्छे से सबका पूरा होता है, यही है सबको भगवान भोलेनाथ का त्योहार हम सब पे बना रहे। आज दिन है, क्या मांग रहे हैं भगवान? बस क्या मानेंगे, सबके इंसान का जो है कुछ शांति समृद्धि घर में, और क्या चाहिए इससे ज्यादा और इंसान को। मेरा नाम कुंदन साहू है, ग्राम बलाडी। तो यहाँ पूजा अर्चना करने लोग आ रहे हैं, सारे लोग अपनी मंगल कामना भगवान से कर रहे हैं कि हमारी ये खासियत पूरी हो, वो खासियत पूरी है। और भी यहाँ पे व्यवस्थापक लोग भी हैं, और भी लोग हैं मंदिर से जुड़े, उनसे भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे किस तरह से क्या इंतजाम है बानेश्वर धाम में, और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। बताइए, पहली सोमवारी है, बानेश्वर धाम में बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था है और सुरक्षा को लेकर के क्या इंतजाम? सुरक्षा के लिए प्रशासन जो है सो तात्पर है, सुबह 7 बजे से ही प्रशासन का यहाँ पर व्यवस्था रहता है और शाम के 8 बजे तक जो है प्रशासन का व्यवस्था रहता है, और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। दरबार है, महादेव का दरबार है, यहाँ पे भीड़ अत्यधिक होता है, हर सोमवार है, और इसके लिए जो है सो अलग से भी प्रशासन का व्यवस्था और ज्यादा भीड़ रहने के कारण लगता है, और नहीं तो सामान्य रविवार सोमवार मेला लगता है। क्या कहना चाहेंगे और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज देंगे कि सावन के सोमवारी के साथ साथ 8 सोमवारी है, और सब आइए पूजा कीजिए महादेव के दरबार में और सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार पप्पू। ये आशीष कुमार पप्पू थे जो बता रहे हैं कि लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ पे आइए और जो 8 सोमवारी है यहाँ भगवान बानेश्वर धाम आइए, देवना आइए, और भगवान से जो अपनी मंगल कामना है उनके लिए भगवान के सामने हाथ फैलाइए, आपकी मंगल कामना जरूर पूरी होगी। और यहाँ प्रशासन की सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा में भी प्रशासन चाक चौबंद दिख रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग कतार है और पुरुष के लिए अलग कतार है।
आपको हम दिखाना चाहेंगे। महिलाओं के लिए अलग कतार है और जो पुलिस प्रशासन है वो भी जो संबंधित थाना बनगांव है उनके पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैद है। महिला सिपाही वगैरह भी है वो भी यहाँ पे मुस्तैद है और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से इंतजाम है। आपको ये हम नज़ारा बानेश्वर धाम का दिखा रहे हैं जो सहरसा जिले मुख्यालय में है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का तांता अहले सुबह से ही काफी लग गया है और लगातार श्रद्धालु अभी आ रहे हैं बानेश्वर धाम और पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मंगल कामना पूरी कर रहे हैं। मालूम हो कि सोमवारी में इस बार सावन में 8 सोमवारी है और तरह तरह के तीर्थ स्थानों पे श्रद्धालु जा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब।